हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और जरा इस चीज पर नजर डालो। हर साल हमारे इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले से ही कुछ देशों की तरफ से हमारे सभी गवर्नमेंट और बिजनेस वेबसाइट्स पर साइबर अटैक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, ताकि इंडिपेंडेंस डे के ही दिन हमारी पूरी इकोनॉमी और गवर्नमेंट सिस्टम कोलैप्स कर जाए। अब वैसे तो हमारे देश के कई एथिकल और अनएथिकल हैकर ग्रुप्स जैसे कि हेलशील्ड हैकर्स इन अटैक्स को काउंटर करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर आखिर कब तक? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ ये अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके लिए हमारे देश की डिजिटल सीमाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा युवाओं को आगे आना पड़ेगा, जो अपने अपने लेवल पर देश की रक्षा कर सके, काइंड ऑफ लाइक डिजिटल वॉरियर्स। पर यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मैदान में उतरना ही काफी है? इन हैकर्स को रोकने के लिए हमें स्किलफुल हैकर्स की जरूरत है, जो पेड़ पे नहीं उगते। लेकिन इन स्किल्स को आखिर कैसे डेवलप किया जाए और एक हैकर का करियर आखिर कैसे डेवलप होता है? वेल, उसके तरक्की के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? वेल, इन्हीं सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ टू बिकम ए हैकर। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और ये समझने की कोशिश करें कि हैकर कैसे बना जाए, हमें पहले ये समझना होगा कि हैकर असल में किस चिड़िया की नाम है। Who do we call a hacker? देखो, हैकर्स असल में वो बुद्धिजीवी होते हैं जिनका ज्यादातर जीवन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजरता है, और उसके बिना ये कुछ वैसे ही होते हैं जैसे जल बिन मछली। एक हैकर का मेन काम होता है किसी भी इंसान या इंस्टीट्यूशन के डेटा को बिना उसके परमिशन के एक्सेस करना और फिर उसे अच्छे या बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना, डिपेंडिंग अपॉन किस साइड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो एथिकली नियमों के दायरे में रहकर हैकिंग करते हैं, लॉ के दायरे में रहकर या कानून की हिफाजत के लिए, उसे व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं, और जो नियमों का उल्लंघन करते हुए बुरे काम के लिए हैकिंग करते हैं, उसे हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों कैटेगरीज के बीच में एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, जिसमें हैकर्स गलत तरीके से अच्छे काम करते हैं, उन्हें हम ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। ये तीनों ही तरह के हैकर्स वैसे तो इतने शाने होते हैं कि बस थोड़ी सी ट्रिक से भी किसी भी सिस्टम में पेनिट्रेट कर सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जिसे हैक करने में बड़े बड़े हैकर्स की भी सूसू पोटी निकल जाती है, और वो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी। इसीलिए तो बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे कि इलॉन मस्क इसमें अपना अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपने पैसों को रखकर ये इंश्योर कर सकते हैं कि इनके पैसे बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि एक बार के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटेड बैंक्स में भी पैसों की चोरी होना बिल्कुल मुमकिन है, बट क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी के साथ ये बिल्कुल नामुमकिन है। और फ्रेंड्स, इसके साथ क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू, जिसके बिटकॉइंस की वैल्यू अभी भी बढ़ रही है, 40 लाख रुपीज हो गई है, तो फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको रिटर्न्स मिलने की भी संभावना काफी हाई है। अब क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, एक ट्रेडिंग और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में आप क्रिप्टो करेंसी परचेस करते हो और एक दिन से एक हफ्ते के अंदर में उसे बेच देते हो फॉर अ प्रॉफिट, और इस तरीके से भी आप पैसे अर्न कर सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट में आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हो, यू नो, 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन, और इसमें आपके पैसों की वैल्यू काफी अच्छी बढ़ सकती है। आप देख सकते हो बिटकॉइंस का ग्राफ कैसे उठा है इन द रीसेंट ईयर्स। अब फ्रेंड्स, अगर आप भी क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैं बस एक ही ऐप रेकमेंड करूंगा, और वो है ट्रस्टेड कॉइन स्विच कुबेर ऐप। ये ऐप यूज करना इतना सिंपल है ना जैसे आप घर पे खाना ऑर्डर कर रहे हो। इसमें केवाईसी भी होता है जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही होता है। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे सभी लोग रियल जेन्युइन आईडी वेरीफाइड पीपल है। अब क्रिप्टोकरेंसीज का मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, यानी कि कुछ कंपनियां उठती है, कुछ कंपनियां नीचे जाती है, और फिर बाद में मे बी वो वापस उठ जाएगी अगर उनकी टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग होगी फॉर द फ्यूचर। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंपनी पे पहले रिसर्च करो ऑनलाइन या फिर ट्रस्टेड सोर्सेस के थ्रू, और उसी के बाद आप पैसा इन्वेस्ट करो अगर आप ज्यादा अमाउंट लगा रहे हो। वरना आप शुरू कर सकते हो 50 रुपए से, जो कि आपको नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक करोगे ना और वहां से ऐप डाउनलोड करोगे, तो आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री मिलेगा, जिससे आप शुरू कर सकते हो और रिसर्च करना शुरू करो। जैसे जैसे नॉलेज और एक्सपर्टीज गेन करोगे और पैसा इन्वेस्ट या ट्रेड करना शुरू कर सकते हो, एंड हु नोस, मे बी आप एक हाई इनकम स्किल सीख लोगे फॉर द फ्यूचर। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड कॉइन स्विच कुबेर ऐप नाउ। अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस सवाल की ओर कि हाउ टू बिकम ए हैकर। अब फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में से आप काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये जानना है कि हैकर बनते कैसे हैं। सो भाई लोग, एक फुल फ्लेज्ड हैकर होता है ना, उसके जैसा बनने के लिए वैसे तो आप ट्रेडिशनल वे से भी जा सकते हो, जिसमें आपके पास 3 रास्ते होते हैं। अगर 10th के बाद ही हैकिंग फील्ड में जाना है, तो कई सारे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज मौजूद है। 12th के बाद जाना है तो रेगुलर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री ऑप्ट कर सकते हो, और अगर कम पैसों में हैकिंग सीखना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने
करने वाले कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बस इन्हीं रास्तों पर निकल पड़ना ही काफी नहीं होता, इन सर्टिफिकेट्स के अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नंबर वन, काली लिनक्स की कलाकारी। जो बचपन से ही विंडोज ओएस पर हाथ साफ करते आ रहे हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। विंडोज पहली बात तो एक पेड सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें, जो कि हैकिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नो नो है। इसीलिए हैकिंग सीखने वालों को सबसे पहले तो विंडोज को त्याग कर काली लिनक्स पर स्विच करना पड़ता है। अब हो सकता है कि बहुत से लोग यही पर हार मान जाएंगे क्योंकि उन्हें चेंज पसंद नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन काली लिनक्स लिनक्स ओएस के परिवार का वो सदस्य है जिसे बहुत लोग हैकर्स पैराडाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तो पूरी तरह से फ्री है और दूसरा इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है, राइट टू the very core of the OS। यानी आप ऑलमोस्ट पूरे OS को ही बदल सकते हो, क्योंकि विंडोज में घंटा भी नहीं मिलेगा करने। ऊपर से इसमें 600 से भी ज्यादा ऐसे टूल्स बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के लिए जरूरी होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इन टूल्स को समझने और इस्तेमाल करने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना जरूरी है, जो है हमारा दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर की बोली या बंदूक की गोली। बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी घायल कर सकते हैं। अब ये असल जिंदगी में कितना सही है ये तो पता नहीं, मगर डिजिटल दुनिया में ये एकमात्र ऐसा सत्य है। जिसे कंप्यूटर्स के साथ बात करना आ गया ना भाई, वही उसका इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। नाउ आई नो कि एक बड़ी भाषा सीखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस सफर की शुरुआत HTML, JavaScript, CSS और Python जैसी आसान लेकिन पावरफुल लैंग्वेजेस को सीख के की जाती है। इनमें पर्टिकुलरली पाइथन अकेला ही इतना पावरफुल है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इसका इस्तेमाल अपने एप्स, सॉफ्टवेयर्स, वायरसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में करते हैं। यानी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब पाइथन जैसी एक पावरफुल लैंग्वेज और काली लिनक्स जैसा एक ओपन सोर्स कस्टमाइजेबल OS साथ में आ जाता है ना, तो कैसे ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। लेकिन ऐसे अस्त्रों का क्या ही फायदा अगर आपको समझ ही नहीं आए कि निशाना किस पर साधना है, राइट? और इसी के चलते हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है रिश्तों की जानकारी। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ऑलमोस्ट हर डिजिटल डिवाइस किसी अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ है। हैकर्स को बस इसे ही समझना होता है। हर डिवाइस, हर चिप, हर सॉफ्टवेयर और हर हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कौन किस पर निर्भर है इस सब की जानकारी होना एक हैकर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही उनको दूसरे हैकर्स द्वारा हैक होने से बचाता है। और मिसाल के तौर पर सोचो, कोई आपका जीमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा हो और आप उसे रोकने के लिए अपना PC स्विच ऑफ कर देते हो, जैसे PC बंद करने से आपका जीमेल भी बंद हो जाएगा। क्लियरली यहाँ उसको ये दिख जाएगा कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क्स के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, और वो आपके PC पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। पर अगर किसी ने आपके PC को हैक भी कर लिया, तो भी एक स्किल आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है, और वो स्किल है नंबर 4, जानकारी इकट्ठा करना। हमारे देश पर साइबर अटैक करने वाला है, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे? ऑब्वियसली उस इंसान या इंस्टीट्यूशन के बारे में रिसर्च करके कि वो हमारे विरुद्ध किन किन चीजों में इन्वॉल्व रहा है। क्या ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है हम पर अटैक करने का, या वो बहुत पहले से ही ऐसा करते आ रहा है? क्या उसे कोई इंस्टीट्यूशन फंड कर रही है? अगर हाँ तो क्यों? ऐसी सभी जानकारी एक हैकर को पता होनी चाहिए, जिससे उसके पास भी खेलने के लिए कुछ दाव मौजूद हो, जिसे वो सही समय आने पर हुकुम के इक्के की तरह सामने वाले के मुंह पर फेंकेगा कि ले, गेम ओवर। हाँ, अब यही सही समय कैसे डिसाइड करना है ये हम अगले पॉइंट में जानेंगे। नंबर 5, चोर की सोच और नए टूल्स की खोज। जैसे किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए जरूरी होता है कि आप उसी के तरह सोचे, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स को रोकने के लिए भी ये जरूरी होता है कि एथिकल हैकर्स भी अनएथिकल हैकर्स जैसे ही सोचे और अंदाजा लगाए कि साइबर अटैक्स किन किन दिशाओं से हो सकता है और उनसे बचने के लिए क्या क्या किया जाए। ये शायद आपको काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा, मगर जैसे ही आप पहले 4 चीजों में माहिर हो जाते हो, ये 5th फैक्टर अपने आप ही आप में डेवलप होने लगता है। और इस टेढ़ी सोच को अगर सबसे अप टू डेट टेक्नोलॉजी का सहारा मिल जाए, तो हमारे देश में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज एंड इवन भारत सरकार भी नए नए हैकिंग टैलेंट्स को हायर कर रही है, जिसमें उनकी स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग 40,000 पर मंथ होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ तकरीबन 5 लाख पर मंथ तक भी जा सकती है। इन जॉब्स के अंतर्गत हैकर्स को बेसिकली उस सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के सिस्टम को हैक करके ये बताना होता है कि उनके सिस्टम में कहां-कहां पर लूप होल्स है और उन्हें रिपेयर कैसे किया जा सकता है। ना ये एक इंटरेस्टिंग जॉब, राइट? और मजे की बात
तो ये है कि अगर आप अपने करियर में सही तरीके से आगे बढ़ते हो तो आप भी ये जॉब हासिल कर सकते हो, बिकॉज विद इंक्रीजिंग डिमांड ओवर सिक्योरिटी एक व्हाइट हैट हैकर ही आपके डेटा को सुरक्षित रख सकता है। सो देखा जाए तो ही इज लाइक अ डिजिटल सोल्जर, क्योंकि हमारे सोल्जर्स हमें वॉर फ्रंट में बचाते हैं और ये हमें साइबर अटैक से बचाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नई जानकारी मिली तो एक लाइक जरूर ठोकना, और आप में से कितने लोग हैकिंग को एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन मानते हैं कमेंट करना नीचे और मुझे बताना। अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।